एआईआरपी कन्वर्जेंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एआईआरपी में बैकअप पाथ जो है वो क्रिएट करके रखता है हमेशा अगर अवेलेबल है तो, और इन केस अगर प्राइमरी रूट हमारा फेल हो जाता है तो बैकअप पाथ को उठा के वो राउटिंग टेबल में प्लेस कर लेगा। इन केस अगर बैकअप पाथ अवेलेबल नहीं है तो फिर वो यूज़ करता है क्वेरी एंड रिप्लाई प्रोसेस। तो इसमें राउटर जो एल्गोरिथम यूज़ करता है वो है ड्यूल डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम, और इसकी वजह से एआईआरपी की जो टोपोलॉजी होती है वो लूप फ्री होगी, ना लूप की प्रॉब्लम नहीं है एआईआरपी। क्वेरी रिप्लाई में क्या है कि राउटर के पास अगर बैकअप पाथ नहीं है और उसका प्राइमरी रूट डाउन हो जाता है तो राउटर ये है हमारा वो जितने भी उसके नेबर्स होंगे तो सभी को क्वेरी सेंड करेगा कि ये जो मेरा रूट फेल हुआ है इसको जाने का क्या कोई अवेलेबल रूट है, और ये जो क्वेरी मैसेज जाएगा ये रिलायबली जाएगा आरटीपी के थ्रू। तो जितने भी नेबर्स को ये मैसेज मिलेगा अगर उनके पास रूट एग्जिस्ट करता है तब तो रिप्लाई सेंड कर देंगे, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो आगे अपने नेबर्स को वो क्वेरी फॉरवर्ड कर देंगे, राइट। तो अल्टीमेटली इसमें क्या है क्वेरी के केस में आंसर हमेशा आएगा, है ना, आंसर जो है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। पॉजिटिव आंसर का मतलब है कि रूट एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव आंसर का मतलब है कि रूट एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन तो मतलब एक राउटर का अगर रूट फेल हुआ तो उसका अपने नेबर वाले को पहले देगा वो, उसके पास अगर नहीं है तो वो उसको रिप्लाई कर देगा नेगेटिव। नहीं 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 तो आगे भेज तो आगे फॉरवर्ड कर देगा तो नेगेटिव कहाँ से आएगा? नेगेटिव अब उसने आगे भेजा, मतलब एक पॉइंट आएगा जब राउटर्स आगे नहीं होंगे। अच्छा, वहाँ से नेगेटिव आएगा फिर वो ऐसे पास होता है। हाँ, क्वेरी जो है एक पॉइंट लग जाएगी, मतलब इसमें हम कहते हैं कि यहाँ तो राउटर्स हैं ही नहीं अब आगे सेंड करने के लिए, या फिर होता है कि अगर कहीं पे हमारी नेटवर्क बाउंड्री आ गई। नेटवर्क बाउंड्री वहाँ कहते हैं जहाँ पे समराइजेशन हमने कर रखा है, अगर किसी पॉइंट पे नेटवर्क बाउंड्री और हमने समराइजेशन कर रखा है तो क्वेरी उस पॉइंट से आगे नहीं जाती, तो वो लास्ट राउटर होगा जो बॉर्डर राउटर होगा जहाँ पे बाउंड्री है, तो वो राउटर अगर उसके पास रूट है तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, है ना, रिप्लाई फिर आना शुरू होगा, जिसको रिस्पॉन्स मिला फिर वो आगे सेंड करेगा। अल्टीमेटली ये जैसे क्वेरी फॉरवर्ड हुई है वैसे रिप्लाई भी वापस आएगी, है ना, सोर्स तक, राइट। तो इसके थ्रू वो कर सकते हैं। फाइनली फिर कंपैरिजन है OSPF और AIGRP का। कन्वर्जेंस क्विकली, कन्वर्जेंस दोनों में फास्ट है, AIGRP में ज़्यादा फास्ट है क्योंकि यहाँ पे बैकअप पाथ भी अवेलेबल है हमारे पास, बिल्ट इन लूप प्रिवेंशन, ये दोनों में लूप फ्री टोपोलॉजीज बनाते हैं दोनों। सेंड्स पार्शियल राउटिंग अपडेट एडवर्टाइजिंग ओनली न्यू और चेंज इन्फॉर्मेशन, ये भी सही है, फर्स्ट टाइम फुल अपडेट है उसके बाद पार्शियल रहेगा। दोनों ही क्लासलेस हैं, देयरफॉर सपोर्ट्स मैनुअल समराइजेशन एंड VLSM, दोनों सपोर्ट करते हैं। अलाउज मैनुअल समराइजेशन एट एनी राउटर, ये सिर्फ AIGRP में है ना, AIGRP में आप किसी भी राउटर पर समराइजेशन कर सकते हो, जबकि OSPF में जो समराइजेशन हो या तो एरिया बॉर्डर राउटर या ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर पर ही होगा। सेंड्स राउटिंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग IP मल्टीकास्ट ऑन LAN, ये दोनों में ट्रू है, ये मतलब जो अपडेट ये सेंड करते हैं वो मल्टीकास्ट एड्रेस पे भेजते हैं ना कि ब्रॉडकास्ट करते हैं। ये OSPF में 224.005 और 224.006 है, और ये AIGRP में 225.0.0.10 है ना, ये यूज़ करेंगे। यूजेज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए डिजिग्नेटेड राउटर ऑन ए LAN, ये OSPF में डिजिग्नेटेड राउटर का कॉन्सेप्ट AIGRP में नहीं है। फ्लेक्सिबल नेटवर्क डिज़ाइन विद नो नीड टू क्रिएट एरियाज OSPF में AIGRP में नहीं है, यहाँ ऑटोनोमस सिस्टम है। सपोर्ट्स बोथ इक्वल मेट्रिक एंड अनइक्वल मेट्रिक लोड बैलेंसिंग, ये सिर्फ AIGRP में। रोबर्ट्स मेट्रिक बेस्ड ऑन बैंडविड्थ एंड डिले, बैंडविड्थ डिले दोनों यूज़ करता है AIGRP। कैन एडवर्टाइज IP, IPS एंड एप्पल टॉप रूट्स, मल्टीपल प्रोटोकॉल्स भी AIGRP में। पब्लिक स्टैंडर्ड ये OSPF है, AIGRP सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज AIGRP कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन इसका वैसे ही है, अगेन राउटर AIGRP कमांड, बट इसमें हम क्या करते हैं कि AIGRP जब हम यूज़ करते हैं तो जो राउटर्स हैं वो सेम ऑटोनोमस सिस्टम में रखते हैं, है ना। तो जैसे OSPF में कॉन्सेप्ट था एरिया का, कुछ वैसे ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ऑटोनोमस सिस्टम का। तो जब राउटर AIGRP लिखते हैं तो साथ में ऑटोनोमस सिस्टम यहीं पर लिखते हैं। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर जो एरिया था वो इंटरफेस पर देखते थे, है ना। तो उसमें क्या था कि एक ही राउटर के अलग अलग इंटरफेस अलग अलग एरिया में हो सकते थे, लेकिन AIGRP में जो राउटर है वो पूरा का पूरा एक ही ऑटोनोमस सिस्टम में होगा। तो कुछ इस तरीके से करेंगे, राउटर AIGRP देन ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, जिसकी वैल्यू 1 से 65535 के बीच में हो सकती है। नेटवर्क कमांड, यहाँ पर आप वाइल्ड कार्ड मास्क OSPF की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम रिप की तरह क्लासफुल तरीके से भी दे सकते हैं, दोनों ऑप्शन, जबकि OSPF में आपको वाइल्ड कार्ड मास्क यूज़ करना ही पड़ता था।
इंटरवल्स अगर आप चेंज करना चाहो, इंटरवल जो है बाय डिफॉल्ट 5 सेकंड्स और हेलो इंटरवल है और 15 सेकंड्स का होल टाइम है, मेडेड इंटरवल जिसको आप कह सकते हो। तो ये हम चेंज कर सकते हैं इंटरफेस बेसिस पे, आई पी हेलो इंटरवल ई आई जी आर पी ऑटोनोमस सिस्टम नंबर देन टाइम सेकंड्स पे, आई पी होल टाइम ई आई जी आर पी ऑटोनोमस सिस्टम नंबर देन टाइम सेकंड्स। बैंडविड्थ थोड़ी ले क्योंकि हम मीट्रिक जो हमारी बैंडविड्थ डिले बेसिस पे, तो हम इस कमांड से क्या करेंगे जो एक्चुअल हमारी बैंडविड्थ है वही सेट कर देंगे इंटरफेसिस पे। डिले अगर आप मॉडिफाइजेशन करते नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। देन ऑथेंटिकेशन का भी सपोर्ट है, ये देखेंगे हम। और एक और चीज़ है जो यहाँ पे नहीं है, दैट इज़ जो हम कह रहे हैं कि अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग हो सकती है, वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम वेरियंस यूज़ करते हैं, है ना। तो आगे देखते हैं कैसे करें, पहले हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं ई आई जी आर पी का कैसे होगा। तो तीन राउटर है हमारे पास, कनेक्ट कर लेते हैं इनको सीरियल इंटरफेस से। तो एजीआरपी में एरिया नहीं बनते क्या? नहीं, यहाँ एरिया का कॉन्सेप्ट नहीं, ऑटोनोमस सिस्टम का कॉन्सेप्ट पूरा एक ही में आएगा। अब वैसे ही अगेन अगर बड़ा हमारे पास वो है नेटवर्क, तो आप उसको छोटे छोटे ऑटोनोमस सिस्टम्स में डिवाइड कर लो, तो एरिया तो होगा। हाँ, लेकिन टर्म अलग यूज़ कर रहे हैं, टर्म यहाँ पे ऑटोनोमस सिस्टम है। जिसमें वहाँ पे कहते हैं ना कि ये ओएसपीएफ में क्या है कि एरिया कोई भी हो, लेकिन अगर हम ओएसपीएफ यूज़ कर रहे हैं तो सारे राउटर्स जो हैं वो एक ही ऑटोनोमस सिस्टम में होंगे। तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ अलग अलग ऑटोनोमस सिस्टम्स हैं, तो अलग अलग ऑटोनोमस सिस्टम होंगे। ओएसपीएफ में अगर एक चीज़ नोटिस की हो, हमने वहाँ पे सबनेट जो थे डिफरेंट लिए थे, है ना, लेकिन उसके बावजूद रूट शेयर हो रहे थे, क्योंकि ओएसपीएफ में ऑटोमेटिक समराइजेशन नहीं होता है ना। लेकिन आप हालांकि ई आई जी आर पी आपका वीएलएसएम सपोर्ट कर रहा है, डिसकॉन्टिग्यूस नेटवर्क भी सपोर्ट कर रहा है, राइट, लेकिन रिप वर्जन 2 की तरह आपको यहाँ पे जो ऑटो समराइजेशन वो ऑफ करना पड़ता है, वरना नेटवर्क बाउंड्री पे ये भी ऑटोमेटिकली समराइज करता है। अगेन यहाँ पर मिले थे 172.16.1.0/24। इवन बैंडविड्थ भी कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो जैसे यहाँ पर 64 kbps की बैंडविड्थ है, यहाँ पर 128 ले लेते हैं, यहाँ 512। फर्स्ट राउटर से करते हैं कॉन्फ़िगरेशन।
AIGRP में भी क्या ना, एक चीज़ और है इसमें, जब हम ऑटोनोमस सिस्टम्स की बात करते हैं तो जैसे प्राइवेट और पब्लिक एड्रेसेस होते हैं, वैसे इवन ऑटोनोमस सिस्टम्स भी प्राइवेट और पब्लिक होते हैं। अगर आपका अपना प्राइवेट डोमेन है, मतलब इंटर नेटवर्क किसी कंपनी ने बना रखा, इंटरनेट नहीं है, इंट्रानेट है, प्राइवेट नेटवर्क है वहाँ पर, तो आप अपने हिसाब से जो है ऑटोनोमस सिस्टम्स यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपका राउटर जो है इंटरनेट पर काम कर रहा है और हम उस पर AIGRP यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर हम लेंगे वो हमें लेने पड़ते हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन से, ICANN से, जिससे हम पब्लिक IP लेते हैं। तो राउटर AIGRP ये ऑटोनोमस सिस्टम नंबर जो हम यूज़ कर सकते हैं 1.265.535 जैसे 100 सारे राउटर्स आपके सेम ऑटोनोमस में होने चाहिए। देन नेटवर्क स्टेटमेंट, नेटवर्क हम कह रहे हैं कि आप क्लासफुल भी यूज़ कर सकते हो RIP की तरह, और वाइल्ड कार्ड मास्क, मतलब दोनों ऑप्शन है। इसमें हम क्लासफुल ले लेते हैं 1.260.0.0 क्लास बी ए है ना, तो क्लासफुल एड्रेस वही फर्स्ट टू ऑक्टेट नेटवर्क में है, सॉरी बाकी वो ये आ जाएगा देन नेटवर्क 192.168.1.0 ठीक हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पे क्या है कि ये आप देखो यहाँ पे तो डिसकॉन्टिग्यूअस है, 172 का सबनेट, 172 का सबनेट और बीच में लेकिन 192 है, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक समराइजेशन बंद करना पड़ेगा, नो ऑटो समरी स्पेस नहीं करने की ज़रूरत है। कर लेते हैं आप क्या कर सकते हो, सबनेट एड्रेस भी दे सकते हो और OSPF की तरह अगेन इंटरफेस का एड्रेस भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबनेट ले लेते हैं, थर्ड वाले पे इंटरफेस का एक ले लेते हैं 172.16.2.0 और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क यहाँ पे जाएगा 0.0.0.255 इन नेटवर्क 192.168.1.0 0.0.0.3 गलत किया है थोड़ा, नहीं वो सही था, ये 1.4 हो जाएगा है ना, कौन सा वाला ये तो हाँ ठीक है हाँ है ना, हाँ सही है सर। ये नो ऑटो समरी ये हो गया, तो गलत किया तो सही कर लगे हमारा
should. ऊपर हो गया इंटरफेस की आईपी ले लेते हैं, है ना। नेटवर्क 172.16.3.1.0.0.0.0 नेटवर्क 192.168.0.10.0.0.0 सिंगल आईपी है तो ही चेक कर लो शो कमांड्स के थ्रू रूट शेयर हुए कि नहीं हुए। शो आईपी रूट चाहे ले लो ले जाएगी। सारे हैं 1 2 3 वर्क हो रहे। डी का क्या मतलब वो? डी का मतलब यही जेआरपी है। अच्छा, एक्चुअली इसमें हुआ ये कि ई होना चाहिए था, लेकिन जब यही जेआरपी आया तो ई जो था ऑलरेडी यूज़ हो रहा था उसके लिए आ गया। ई जी पी के लिए होगा, यहाँ पे ई भी होगा। ये फोर ई जी पी तो डी फ्री था, उन्होंने डी ले लिया। तो इसमें ये तो हो गया हमारा वो 90 इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, और ये मीटरी के जो बैंडविड्थ और डिले के वो कॉम्बिनेशन से जनरेट हो रहा है। ये जो है ये यहाँ पे लोड बैलेंसिंग हो रही है। ये जो रूट देख रहे हो ये लोड बैलेंसिंग है। इस राउटर को अगर 1.0 पे जाना है तो इसको दो पाथ मिल रहे हैं, वाया 1.9 एंड वाया 1.5, और दोनों साइड से इसको सेम मीट्रिक मिल रही है। तो ऑटोमेटिकली ये इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। तो इस राउटर से हम देख लेते हैं 1.0 कौन है। हम यहाँ पे यहाँ से 1.0 पे अगर जाना है एंड 1.0 इज दिस, तो इसको सेम मीट्रिक मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है सोचो। ये तो 1.0 पे जाना है तो वो कौन से वाले राउटर पे जाएगा? दोनों से कह रहे हैं लोड बैलेंसिंग। ट्रैफिक इधर से भी सेंड कर रहा है और इधर से भी, मतलब फर्स्ट पैकेट इधर से, सेकंड इधर से, थर्ड इधर से, ऑल्टरनेट पैकेट। लेकिन क्यों कर रहा है? लिंक्स पर डिफरेंस है ना, इधर 512 है, इधर 128 है। तो कॉस्ट सेम कैसे आ रही है, मतलब जो मीट्रिक वो सेम कैसे आ रही है? नहीं तो ये तो अनइक्वल कॉस्ट पे भी लोड बैलेंसिंग करता है, लेकिन वो जब हम कराएंगे तब करता है। अभी तो अनइक्वल नहीं है ना, आप देखो यहाँ पे मेट्रिक की वैल्यू सेम है 4102400, दोनों पास पे सेम मेट्रिक है। तो क्यों हो रही है लोड बैलेंसिंग? ये मेट्रिक सेम कैसे कैलकुलेट हो रही है? क्योंकि मेट्रिक कैलकुलेशन में जो पैरामीटर है वो क्या है, लीस्ट बैंडविड्थ। तो 128 और 512 तो एक ही तो कनेक्शन है, और ये 64। लेकिन वही मैं पूछा था, नेटवर्क पे जाने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि इस वाले का ये वाला इंटरफेस इस नेटवर्क पे, इस वाले का ये वाला इंटरफेस इस नेटवर्क पर है, लेकिन यहाँ तो और कुछ है नहीं ना, तो वो बीच में तो इंक्लूड ही जाएगा। कोई बात नहीं, लेकिन इस नेटवर्क पे ये दो इंटरफेस तो है ना। हाँ, तो मतलब ये यहाँ से यहाँ जाएगा। हाँ, ये यहाँ से यहाँ जाएगा। हाँ, 64 तो बीच में पड़ा ही नहीं। नहीं, इसको इंक्लूड करेंगे ना, जैसे हम से इस राउटर की बात करते हैं, अगर यहाँ पे कोई और होस्ट वोस्ट होता है तब तक। नहीं, वो तो एक अलग चीज़ होगी, लेकिन ये एक नेटवर्क तो एग्जिस्ट करता ही है ना। ये मान रहा हूँ कि इस नेटवर्क पे दो राउटर ही हैं, तीसरा कोई होस्ट डिवाइस नहीं है यहाँ पे, लेकिन नेटवर्क तो एग्जिस्ट करता ही है ना। मतलब आप ये समझो,
चलो मान लेते हैं अगर यहाँ नहीं होता ये, या कुछ और भी तो ले सकते हैं हम यहाँ पे, एक अगर हम दोनों राउटर्स के बीच में यहाँ पे एक स्विच लगा दें, दोनों राउटर से कनेक्ट कर दें स्विच से, फिर इधर हम ले लें, वो तो पॉसिबल है ना, कर ही सकते हैं। तब 64 पड़ेगा, ऐसे भी बढ़ेगा, लेकिन इसने वो जितने भी प्रोटोकॉल है सोर्स राउटर से लेके डेस्टिनेशन तक जितने हैं, जैसे मैं वही कह रहा था अगर हम यहाँ से देखें, अगर इस राउटर को जाना है से इस नेटवर्क पे, तो इसके थ्रू जाएगा नहीं या तो उसके थ्रू जाएगा, इसमें क्या ना जो लीस्ट बैंडविड्थ कंसीडरेशन की बात है उसमें वो इसको भी इंक्लूड करेगा, इस लिंक को भी। हाँ, क्योंकि इसको यहाँ तक जाना था, हम किसी होस्ट पीसी पे जाने की बात नहीं कर रहे हैं, नेटवर्क पे जाने की बात, नेटवर्क पे जाने की बात है, राउटर है ना, राउटर जो है वो होस्ट एड्रेसेस नहीं देखता, वो नेटवर्क एड्रेसेस देखता है, उसका होस्ट एड्रेसेस से नहीं मतलब है, होस्ट एड्रेस तो इस पीसी का आप रख लो किसे 2.2, तो 2.2 नहीं देख रहा, वो देख रहा 2.0 पे जाना है, तो 2.0 का नेटवर्क तो यहीं पे बन रहा है ना, तो वो लिंक देखेगा, तो वैसे यहाँ पे भी वो लिंक देखेगा, उसको 1.0 के नेटवर्क से मतलब है, 1.0 के नेटवर्क पे कितने पीसीज हैं, है ना, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये 64 इसमें इंक्लूड होगा मीटर कैलकुलेशन, तो इसलिए जब इधर से हम देख रहे हैं तो भी लीस्ट 64, इधर से भी 64, इसलिए लोड बैलेंसिंग जो मिल रही है। इसमें कुछ और शो कमांड्स देख लेते हैं, राउटिंग टेबल का शो आईपी नेबर दिखा रहा है, इसके दो नेबर्स हैं 1.9 और 1.5, किस इंटरफेस पे बने वो भी दिखा रहा है, इस इंटरफेस पर ये होल टाइम है 15 सेकंड से डाउन होगा, 10 तक जाएगा, कितने में फिर 5 सेकंड में आ रहा है ना, तो अगेन 15 हो जाएगा, अप टाइम मतलब ये नेबर रिलेशनशिप कितने टाइम से अप है, ऑलमोस्ट 5 मिनट्स हो चुके हैं। SRTT स्मूथ राउंड ट्रिप टाइम होता है, मतलब अपने नेबर तक डेटा भेजने में और वहाँ से रिप्लाई बैक आने में कितना टाइम लगता है। RTO इज़ रिक्वेस्ट टाइम आउट, रिक्वेस्ट टाइम आउट का मतलब कह रहे हैं ना कि ये रिलायबल वो करता है ट्रांसमिशन, रीट्रांसमिशन कितने टाइम के बाद, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो इतने टाइम के बाद रीट्रांसमिशन, इतना टाइम तक वेट करेगा। क्यू काउंट का मतलब है कि अगर कोई पैकेट इसने नेबर को भेजना है तो ऐसा तो नहीं कि क्यू में लगा, तो क्यू में कोई नहीं है। एंड सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर का मतलब है कि इसने जो लास्ट सेंड किया है मैसेज उस पर सीक्वेंस नंबर क्या गया था लास्ट उस पर। शो आई पी टोपोलॉजी